ओम नमः शिवाय। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शुभ मंगल में। दोस्तों सावन महीने की सबसे बड़ी शिवरात्रि 15 जुलाई को है और सावन महीने का ये दिन सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली माना जाता है। इस दिन महादेव पर जो भी सच्चे मन से एक लोटे जल से अभिषेक करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और इस दिन महादेव की पूजा अर्चना करके आप उन्हें आसानी से खुश कर सकते हैं। पर दोस्तों ध्यान रहे, शिवलिंग पर ऐसा जल भूलकर भी न चढ़ाए और इस दिन न करे। ये गलती जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, नहीं तो आपको शिव की तीसरी आंख का क्रोध झेलना पीआईएच सकता है। और दोस्तों यदि आप भी महादेव को अपना मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूले, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव है और बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता है। हमारी थोड़ी सी आराधना से और सच्चे मन से की गई प्रार्थना से भगवान भोलेनाथ बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और फिर हमारी परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमारी समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, भगवान शिव उस समस्या को उस परेशानी को शीघ्र ही दूर करते हैं और हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सिर्फ सच्चे मन से की गई प्रार्थना से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। भांग धतूरा बेलपत्र हम भगवान शिव को अर्पित करते हैं और उन्हीं से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। हम एक लोटा जल भगवान शिव को अर्पित कर देते हैं, उससे भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब हम सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो शिव की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। जब हम पूजा में, प्रार्थना में, उपायों में अपनी सच्ची श्रद्धा को जोड़ देते हैं तो हमारी कामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है, हमारी समस्या शीघ्र ही दूर हो जाती है। तो कोई भी उपाय जब आप करें तो बहुत ही सच्चे मन से करें, श्रद्धा भाव से करें और पूर्ण विश्वास से करें, क्योंकि महादेव देवों के देव है और जब हम उनकी शरण में जाते हैं तो किसी भी बात को लेकर, किसी भी काम को लेकर या कोई भी जो हमारी मनोकामना है उसको लेकर हमारे मन में संशय नहीं होना चाहिए। पूर्ण रूप से समर्पित भाव से भगवान शिव की शरण में जाएं और सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करें तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। कई लोग तो सोमवार का व्रत रखते हैं, 16 सोमवार का व्रत रखते हैं जो कि भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन अगर आप व्रत भी नहीं करते हैं और अगर आप जीवन में परेशान हैं, चाहे आप कर्ज से परेशान हैं, चाहे धन प्राप्ति की कामना है, अगर जीवन साथी की कामना है, आपको योग्य और सच्चा जीवन साथी चाहिए या मनोवांछित वर या वधु की कामना है, आपको तो ऐसे में आपको भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। संतान प्राप्ति की कामना है, बहुत समय से आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन संतान प्राप्ति में कोई बाधा है, बुरे ग्रह दोषों के प्रभाव से आप प्रभावित हैं, तो आप भगवान शिव की पूजा शुरू कर दें। भाग्य में बदलाव तुरंत शुरू हो जाता है। बस सिर्फ हमें आवश्यकता है अपने मन को संयमित करके, एकाग्र करके भगवान शिव के ऊपर पूर्ण विश्वास रखने की। दोस्तों सोमवार के दिन अगर कुछ विशेष उपाय करें, कुछ विशेष विधि से भगवान शिव की पूजा आराधना करें तो हमारी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। सोमवार के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और कुछ विशेष उपाय करने चाहिए, भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। तो सोमवार के दिन के जो हम इस वीडियो में उपाय लेकर आए हैं वो बहुत ही सरल है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं और यकीन मानिए अगर श्रद्धा भाव से आप ये उपाय करेंगे तो मनोकामना चाहे आपकी कोई भी हो वो भगवान शिव की कृपा से पूरी होगी और आपकी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। तो सोमवार के दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठकर भगवान शिव की पूजा आराधना करें और अगर आप चाहते हैं कि आपको योग्य जीवन साथी की प्राप्ति हो, मनोवांछित जीवन साथी की प्राप्ति हो, अगर आप मनचाहा विवाह चाहते हैं और सुयोग्य जीवन साथी चाहते हैं तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर केसर मिश्रित कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। कच्चा दूध गाय का हो तो सर्वश्रेष्ठ है, गाय का ना हो तो जो भी दूध है उस दूध में थोड़ा सा केसर मिलाएं और भगवान शिव के पास जाएं, शिव मंदिर में जाएं, शिव मंदिर में जाकर उनको शिवलिंग पर दूध अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहे और इस दूध को अर्पित करें। यकीन मानिए आप पूरे श्रद्धा भाव से एक उपाय कीजिएगा तो आपके जीवन में, आपके विवाह में जो बाधाएं आ रही है शीघ्र ही दूर हो जाती है और शीघ्र ही विवाह के अच्छे योग बनने लग जाते हैं। रिश्ते नहीं आ रहे होते हैं और रिश्ते आने में भी बाधा है या बनते बनते शादी रुक जाती है, बात नहीं बन पाती है, तो भी आप यह उपाय करें, शीघ्र ही आपकी कामना पूर्ण होगी। दोस्तों अगर धन प्राप्ति की कामना है
अपार धन प्राप्ति की कामना है तो सोमवार के दिन आपको मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी चाहिए। लेकिन जब आटे की गोली खिलाएं तो मन में भगवान शिव का ध्यान करें और अपने मन ही मन भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप करते रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह से मंत्र का जाप करते हुए आप मछलियों को गोलियां डालते रहें। निश्चित ही आपके व्यापार में जो बाधा आ रही है या नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, किसी भी तरह से आपको धन प्राप्ति में बाधा है, कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है वो वापस नहीं मिल रहा है, तो इस उपाय को करने से आपको धन प्राप्ति के योग बनने लग जाएंगे। अगर कोई भी कामना हो आपकी और चाहते हैं कि वह शीघ्र ही पूर्ण हो जाए तो इसके लिए आपको सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। विधिवत उनकी पूजा करें, पंचामृत से उनका अभिषेक करें, दूध दही घी शहद और शक्कर से अभिषेक करें या फिर गंगा जल से अभिषेक करें। अगर यह सब चीजें नहीं हो तो आप शुद्ध जल लेकर जाएं, भगवान शिव पर अर्पित करें और आपको चाहिए 21 बिल्वपत्र आपको लेने हैं। साफ पानी से धो लें, स्वच्छ कर लें और उसके ऊपर सफेद चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें। इसके बाद एक एक बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करें। ये जो बेलपत्र है वह आपको अर्पित करने हैं और आपके जो भी मनोकामना है उसके लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें। कुछ ही समय में आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। सुख समृद्धि चाहते हैं, परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं तो सोमवार के दिन आपको क्या करना चाहिए? भगवान शिव के लिए आपको सोमवार के दिन विशेष कौन सा उपाय करना चाहिए? दोस्तों, अगर सुख समृद्धि की कामना है, परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं तो सोमवार के दिन भगवान शिव को जो अत्यंत प्रिय है वो है नंदी बैल। उस नंदी बैल को अगर आप हरी घास खिलाते हैं, हरा चारा खिलाते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। अगर नंदी बैल ना मिले तो गाय को भी खिला सकते हैं, लेकिन सोमवार के दिन गोवश को हरा चारा खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे भगवान शिव की कृपा मिल जाती है, सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। सोमवार के दिन आपको चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको हमेशा अपने पितरों की कृपा मिलती रहे, पितरों की आत्मा को शांति मिले, आपके ऊपर सदा अन्नपूर्णा का वास रहे तो सोमवार के दिन आपको गरीबों को भोजन कराना चाहिए। अगर आप सोमवार के दिन किसी गरीब को भोजन कराते हैं तो आपको कभी भी अन्न का अभाव नहीं होगा, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और धन की प्राप्ति होगी, व्यापार में भी वृद्धि होगी, हर तरफ से हर कामना पूर्ण हो जाएगी। अगर आप अपने जन्म कुंडली में किसी बुरे ग्रह के दोषों से परेशान हैं, जैसे शनि का प्रभाव है, शनि की साढ़े साती है, ढैया है या फिर किसी भी तरह से आपको मानसिक रूप से परेशान रहती है, चंद्रमा शनि के साथ हो तब भी मानसिक रूप से व्यक्ति परेशान रहता है, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो तब भी मानसिक रूप से अशांति रहती है, तो ऐसे में चाहिए आपको आत्मिक शांति मिले तो सोमवार के दिन आपको जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। जल में थोड़े से काले तिल डाल दे, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें और थोड़े समय मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। इससे आपको मानसिक शांति मिलती है। जितने भी बुरे ग्रहों का दोष आपको प्रभावित कर रहा है उससे आपको मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अगर आप धन चाहते हैं और बहुत अधिक धन चाहते हैं कि धन समृद्धि सदा आपके घर में बनी रहे, सदा मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे, तो इसके लिए आपको चाहिए कि पार्थ से निर्मित शिवलिंग अपने घर में स्थापित करें और प्रतिदिन उसकी पूजा करें। प्रतिदिन आप पार्थ के शिवलिंग की पूजा करते हैं तो अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, सोमवार के दिन बहुत ही छोटे से उपायों से हमारी कामना पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान शिव को सोमवार का दिन बहुत प्रिय है। अगर आप चाहते हैं कि आपको संतान प्राप्ति में कोई बाधा ना हो, शीघ्र ही आपको संतान की प्राप्ति हो या फिर पुत्र की प्राप्ति हो, तो सोमवार के दिन आपको 11 शिवलिंग आटे से निर्मित करने चाहिए। गेहूं का आटा ले और उससे 11 शिवलिंग निर्मित करें, उसके बाद 11 बार इनका अभिषेक करना है। आपको हर शिवलिंग का अभिषेक करना है, ओम नमः शिवाय का मंत्र बोलते हुए आप अभिषेक करें। जब आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। ऐसे ही हर बार 108 मंत्र के साथ शिवलिंग का अभिषेक करें तो शीघ्र ही आपकी संतान प्राप्ति की जो कामना है वह पूर्ण होती है, पुत्र प्राप्ति की कामना है तो वह भी पूर्ण होती है। सोमवार के दिन आटे के शिवलिंग की पूजा करने से सभी प्रकार से जो भी बाधा आपके संतान प्राप्ति में आ रही है वह दूर हो जाती है। भगवान शिव की कृपा हो जाए तो भाग्य बदलते देर नहीं लगती है। दोस्तों, अगर चाहते हैं कि आपको रोगों से मुक्ति मिले, बहुत समय से बीमार है, दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, ऐसे में आपको शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए।
शिवलिंग पर आप जल से अभिषेक करें। जल से जब आप अभिषेक करते हैं तब उसमें थोड़ा सा कुशा डाल देना। कुशा बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर कुशा ना मिले तो पूजा की दुकान से आप कुशा ले सकते हैं और उसे जल में डालकर आप भगवान शिव का अभिषेक करें। ओम झूम शाह इस मंत्र का जप करते हुए जैसे 101 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है और कुशा के जल से अभिषेक करते रहना है। इस तरह से अगर आप अभिषेक करते हैं तो लंबी बीमारियों से मुक्ति मिलती है। बहुत समय से बीमार है तो भी आपको उस बीमारी से आराम मिलेगा। दोस्तों, अगर आप पापों से मुक्ति चाहते हैं, सुखों की प्राप्ति चाहते हैं तो सोमवार के दिन क्या करें? सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को अगर जौ और तिल अर्पित किए जाए तो बहुत ही शीघ्र पापों से मुक्ति मिलती है और सुखों की प्राप्ति होती है। किसी भी तरह से अगर कहीं आपके मन में है कि पूर्व जन्म के पाप कर्म है, उसकी वजह से परेशानी आ रही है, उसकी वजह से जीवन में सुख का अभाव हो रहा है, सोमवार के दिन जौ अर्पित करें और थोड़े से काले तिल अर्पित करें। इससे आपका सुख बढ़ेगा, पापों का नाश होगा, भगवान शिव की कृपा मिलती है। माँ पार्वती की कृपा से जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर होती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जो उपाय बताए हैं बहुत ही सरल उपाय हैं। एक उपाय दांपत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए, पति पत्नी के बीच में अगर रिश्ते अच्छे हो तो स्वर्ग ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, उस घर में ही स्वर्ग रहता है, उस घर में दांपत्य जीवन सुखमय रहता है। लेकिन अगर दांपत्य जीवन में कलह क्लेश हो तो वह घर नर्क के समान स्वतः ही बन जाता है। इसलिए दांपत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो माँ पार्वती और शिव की पूजा करें। जब पार्वती की पूजा करते हैं, शिव परिवार की पूजा आप मंदिर में जाकर करें, और जब शिव पार्वती की पूजा करते हैं तो ऐसे में शिव और पार्वती का गठबंधन करें। कच्चे सूत से या मूली से कलावा से जो हम हाथ में बनते हैं, उस कलावे से शिव पार्वती का अगर आप गठबंधन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इस तरह से विधिवत पूजा करते हैं तो शीघ्र ही आपका दांपत्य जीवन सुखमय हो जाता है और घर में बहुत ही सुखमय और बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल बन जाता है। जब घर में सुख और शांति हो तो समृद्धि अपने आप ही आती है, लक्ष्मी की कृपा अपने आप ही बरसने लग जाती है। तो ये उपाय आप जो है आप बहुत सरलता से, बहुत आसानी से कर सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर आप इनमें से कोई भी उपाय करते हैं, पूर्ण श्रद्धा से करते हैं, विश्वास भगवान भोलेनाथ पर रखकर करते हैं, आपकी परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो वह दूर हो जाती है, उम्मीद करते हैं। आज की वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा।